ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फिल्म को 3000 करोड़ी फिल्म के रूप में क्यों देखा जा रहा है? ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का लोगो किस धुन पर बेस्ड है? आमिर खान की वो कौन 14 फिल्में हैं जो फ्लॉप हो गई, और फिर किन किन फिल्मों के कारण आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट की उपाधि से नवाजे गए? IMAX फॉर्मेट में आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान क्यों रिलीज होगी? 18 तारीख को ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज कौन सा खुलने वाला है? आपका स्वागत करते हैं बॉलीग्राड के गलियारे में। लंबे इंतजार के बाद फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का पहला लुक सामने आ गया है। विजय कृष्ण आचार्य के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पहली बार दो सबसे बड़े स्टार अमिताभ बच्चन और आमिर खान को एक साथ देखने का मौका मिलेगा। इस फिल्म में इन दोनों एक्ट्रेस के अलावा एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और फतिमा सना शेख मुख्य किरदारों में दिखाई देंगी। आपको बता दें कि फिल्म की रिलीज एक दिन पोस्टपोन्ड हो गई है। अब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 7 नवंबर नहीं बल्कि 8 नवंबर को रिलीज होने वाली है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फिल्म के इस पहली वीडियो को आमिर खान ने अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए फिल्म की रिलीजिंग तारीख का खुलासा किया है। इस जारी वीडियो को देखकर फिल्म को लेकर आपका क्रेज और भी बढ़ जाएगा। इस वीडियो की म्यूजिक से आप इस फिल्म की भव्यता को खुद ही एहसास कर लेंगे। लगभग 1 मिनट के इस वीडियो में लोगों के साथ बैकग्राउंड स्कोर काफी दमदार है। काफी महंगी फिल्मों में शुमार इस फिल्म का फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर 27 सितंबर यानी कि यश चोपड़ा के जन्मदिन के मौके पर रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें यशराज बैनर तले बनी ये फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है। मंगलवार से फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर्स एक एक करके रिलीज किए जाएंगे जिसमें सभी किरदारों की झलक होगी। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का फर्स्ट लुक सामने आया है जो कि हैया ओ धुन पर बेस्ड है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान डिजिटल रूप से IMAX फॉर्मेट में रिलीज होगी। इस फॉर्मेट में रिलीज होने जा रही ये 5वीं भारतीय फिल्म होगी। इससे पहले धूम 3, बैंग बैंग, बाहुबली 2 और पद्मावत जैसी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। IMAX एंटरटेनमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेग फास्टर ने कहा, धूम 3 की सफलता के बाद ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से यशराज फिल्म के साथ हमारी शानदार साझेदारी जारी है। दर्शकों को इस शानदार फिल्म का सबसे सजी और बेहतरीन अनुभव कराने के लिए हमारे साथ दुनिया के महान कलाकारों में से एक आमिर खान फिर से जुड़े हैं। यशराज फिल्म्स की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एक अविश्वसनीय फिल्म में से एक होने का दावा कर रही है जिसमें पहले कभी नहीं देखे गए विजुअल्स और सिनेमाई अनुभव की भरमार होगी। फिल्म से जुड़े सूत्रों की माने तो पहला कैरेक्टर पोस्टर मंगलवार को रिलीज होगा। ऐसा लगता है कि आदि, आमिर और विक्टर ने 6 मोशन पोस्टर को अंतिम रूप दिया है। इसके जरिए फिल्म के 6 प्रमुख किरदारों का परिचय दिया जाएगा। वे इस जानकारी को भी सीक्रेट रखा गया है क्योंकि वे चाहते हैं कि मोशन पोस्टर के माध्यम से ट्रेलर के लिए दर्शकों के बीच जिज्ञासा पैदा हो। आपको बता दें कि अभी तक किसी ने भी ठग्स की दुनिया या किरदारों का सीक्रेट लुक नहीं देखा है। ये सीक्रेट ही दर्शकों का उत्साह बढ़ा देगा। चाहने वालों के बीच मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर आमिर खान बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक है। आमिर हमेशा अच्छी कहानी वाली फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं। वो अभिनेता होने के साथ साथ निर्माता और निर्देशक भी हैं। जहाँ एक तरफ उनके नाम कई सुपरहिट फिल्में आती हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके नाम कई सारी फ्लॉप फिल्में भी हैं। कई लोग सोचेंगे कि आमिर और फ्लॉप मुमकिन नहीं लगता ना, तो आइए बात करते हैं आमिर की फ्लॉप फिल्मों की, वो भी एक या दो नहीं बल्कि 14। जवानी जिंदाबाद फिल्म जवानी जिंदाबाद की आमिर की असफल फिल्म रही, फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को अरुण भट्ट ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म दहेज प्रथा पर आधारित थी। फिल्म में शशि यानी आमिर खान अपने दोस्तों के समूह के साथ दहेज का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। इसी कड़ी में शशि का दोस्त रवि बिना दहेज के उसकी बहन से शादी कर लेता है। दीवाना मुस्सा नहीं, साल 1990 में आई इस फिल्म को वाई नागेश्वर राव ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म एक रोमांटिक फिल्म थी। फिल्म में आमिर खान ने एक फोटोग्राफर का किरदार निभाया है जो माधुरी दीक्षित यानी कि अनीता को बहुत पसंद करता है, पर वो आमिर को सिर्फ अपना दोस्त मानती है। हालांकि बाद में वो इस रिश्ते को स्वीकार कर लेती है। फिल्म के संगीत की बात की जाए तो ये ठीक ठाक था। फिल्म का एक गाना मैं सेरा बांध के आया हूँ खूब चला, पर फिल्म नहीं चली। अव्वल नंबर, इस फिल्म का निर्देशन मशहूर अभिनेता सदाबहार देवानंद ने किया था। ये क्रिकेट पर आधारित एक ड्रामा फिल्म थी। फिल्म में आमिर खान एक स्टार खिलाड़ी सनी के रूप में नजर आते हैं। कहा जाता है कि फिल्म में सब कुछ था रोमांच को छोड़कर, इसलिए दर्शकों ने इस फिल्म को स्वीकार नहीं किया। आमिर की बैटिंग का भी जादू नहीं चला और वो क्लीन बोल्ड हो गए। राख,
1989 में आई ये फिल्म एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन आदित्य भट्टाचार्य ने किया था। इस फिल्म में आमिर खान के अभिनय को लोगों ने खूब सराहा था, पर फिल्म की कहानी ऐसी ना थी कि दर्शकों को बांध पाती। परिणाम ये हुआ कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिहाज से खासा असर नहीं छोड़ पाई। हालांकि आमिर इस फिल्म में अपने शानदार अभिनय के लिए बेस्ट जूरी का अवार्ड जीतने में जरूर सफल रहे। परंपरा साल 1992 में आई इस फिल्म को यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की कहानी इसके पहले आई फिल्म क्षत्रिय से मिलती जुलती थी। फिल्म की कहानी में दर्शकों को कुछ नया देखने को नहीं मिला। इसके अलावा फिल्म की कमजोर कहानी और आमिर का अभिनय भी दर्शकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। फिल्म में सैफ अली खान, सुनील दत्त, विनोद खन्ना, रवीना टंडन जैसे सितारे भी फिल्म को कामयाब नहीं बना सके। इसी का नाम जिंदगी। ये एक रोमांटिक फिल्म थी जिसकी कहानी ब्रिटिश काल के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। इस फिल्म से आमिर खान को बहुत उम्मीदें थी। फिल्म का हिस्सा रहे प्राण ने तो इस फिल्म को सफल बनाने के लिए जमकर प्रमोशन भी किया, पर फिल्म की बोरिंग कहानी ने इन सब पर पानी फेर दिया। दौलत की जंग, ये हॉलीवुड की फिल्म मगेनाश गोल्ड की रिमेक थी। ये फिल्म रहस्यमय खजाने की खोज पर आधारित थी। फिल्म की कहानी दो परिवारों के बीच की दुश्मनी पर केंद्रित थी। फिल्म में दोनों परिवार एक खजाने को पाने में लगे रहते हैं। फिल्म में दुश्मन होने के बाद भी आमिर खान और जूही चावला रोमांस करते देखे गए। बाद में दोनों एक होने के लिए घर से भाग जाते हैं, पर दर्शकों को ये रोमांस पसंद नहीं आया और ये बड़ी संख्या में सिनेमाघरों तक नहीं पहुंचे। आतंक ही आतंक। साल 1995 में आई ये फिल्म क्राइम पर आधारित थी। फिल्म को जाने माने निर्देशक दिलीप शंकर ने निर्देशित किया था। ये फिल्म द गॉड फादर से प्रेरित थी। फिल्म में आमिर खान के अलावा रजनीकांत, जूही चावला और अर्चना अभिनय करते दिखे। फिल्म में आमिर का अभिनय सराहनीय रहा, पर कमजोर कहानी के चलते ये फिल्म पर्दे से जल्द उतर गई। अंदाज अपना अपना। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी ये फिल्म 1994 में आई थी। ये एक कॉमेडी फिल्म थी। फिल्म में आमिर खान के अलावा सलमान खान ने भी अभिनय किया था। दोनों स्टार खानों के होने के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई। फिल्म का एक ही पहलू दर्शकों को पसंद आया, वो था फिल्म का गाना रात और ये दूरी। इस गाने को दर्शकों ने खूब चाव लेकर सुना और सराहा भी। अकेले हम अकेले तुम। मंसूर खान के निर्देशन में बनी ये फिल्म हॉलीवुड की ऑस्कर प्राप्त फिल्म क्रेमर वर्सेज क्रेमर पर आधारित थी। फिल्म की कहानी पति और पत्नी के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। फिल्म को दर्शकों ने भले ही नापसंद कर दिया था, लेकिन फिल्म के गाने दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे। ऐसा जख्म दिया है, राजा को रानी से प्यार हो गया आदि इस फिल्म के सुपरहिट गाने थे जिन्हें लोग आज भी गुनगुनाते हैं। अर्थ, दीपा मेहता के निर्देशन में बनी ये एक ड्रामा फिल्म थी। ये वापसी सिधवा के नॉवेल क्रैकिंग इंडिया पर आधारित थी। फिल्म की कहानी 1947 के भारत विभाजन पर आधारित। फिल्म में आमिर खान एक मुस्लिम युवक का किरदार करते दिखे। अपने शानदार अभिनय से आमिर खान ने दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी, लेकिन दर्शकों को फिल्म पसंद नहीं आई और फ्लॉप रही। मन 99 में आई इस फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया था। ये एक रोमांटिक फिल्म थी। इसे 1965 में आई फिल्म भीगी रात का रिमेक भी कहा गया। फिल्म में आमिर खान एक चित्रकार की भूमिका में पर्दे पर दिखते थे। कमजोर कहानी इस फिल्म के फ्लॉप होने की बड़ी वजह बनी। मेला 1999 में मन के असफल होने के बाद मेला 2000 में आई। आमिर की पहली फिल्म थी। इस फिल्म को लेकर कहा गया कि ये मन की असफलता से मिली कटु यादों को पटाने में सफल साबित होगी, पर हुआ इसके विपरीत। ये फिल्म भी मन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई और मन से भी बड़ी फ्लॉप साबित हुई। फिल्म में आमिर खान के अलावा उनके सगे भाई फैसल खान और ट्विंकल खन्ना ने अभिनय किया था। धोबी घाट, मेला के बाद आमिर खान पटरी पर लौटे और कई सारे हिट फिल्में दी। इसी कड़ी में साल 2011 में किरण राव के निर्देशन में आमिर धोबी घाट पर अभिनय करते दिखे। ये फिल्म चार किरदारों पर केंद्रित थी। यूं तो फिल्मों के किरदार अलग अलग पृष्ठभूमि के होते हैं, लेकिन इनकी कहानी कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी होती है। फिल्म की कहानी रोचक थी, पर इतनी नहीं कि दर्शकों को बांध पाती। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हुई और नहीं चली। आमिर खान भले ही बॉलीवुड को कई फ्लॉप फिल्में दी हो, पर वो अपने वर्क और अभिनय के दम पर वो बॉलीवुड के एकमात्र मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाते हैं। गौर करने वाली बात है कि उनकी कई फिल्में लेजेंड रही हैं। आमिर खान के 10 रूप, कयामत से कयामत तक से सीक्रेट सुपरस्टार तक, हर बार अलग दिखे आमिर खान। फिल्म होली 1985 से डेब्यू करने वाले आमिर खान की पहली सुपरहिट फिल्म कयामत से कयामत तक थी।
कजिन मंसूर खान की फिल्म ने आमिर खान को रातों रात स्टार बना दिया था। निर्देशक आशुतोष गौरीकर की सुपरहिट फिल्म लगान ऑस्कर के लिए भी जा चुकी है। फिल्म साल 2001 में 15 जून को रिलीज हुई थी। इसमें आमिर की भूमिका की बहुत प्रशंसा हुई थी। डायरेक्टर कुणाल कोहली के निर्देशन में बनी फिल्म फना में आमिर खान ने रेहान नाम के आतंकवादी का किरदार निभाया था। वही फिल्म में आमिर खान के साथ काजोल भी नजर आई थी। एआर मुरुगडोस के निर्देशन में बनी फिल्म गजनी में आमिर खान दो किरदारों में नजर आए थे, नायक और खलनायक। फिल्म में आमिर खान के साथ एक्ट्रेस आसिन भी नजर आई थी। साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म तारे जमीन पर फिल्म में आमिर खान एक टीचर की भूमिका में नजर आए। फिल्म के निर्माता खुद आमिर खान थे। आज कुमार हिरानी के निर्देशन में बनी फिल्म पीके में आमिर खान एक एलियन के किरदार में नजर आए थे। फिल्म थ्री इडियट्स में आमिर खान इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की भूमिका में नजर आए। फिल्म के निर्माता बिद्दू विनोद चोपड़ा हैं। साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म दंगल में आमिर खान एक पहलवान फोगाट सिंह के किरदार में नजर आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। अजय चंदन के निर्देशन में बनी फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार में आमिर खान ने एक रैपर का किरदार निभाया था। आमिर खान की ये वो 10 फिल्में हैं जिनके कारण आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। अब आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का लोगो रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो में गड़गड़ाते बादलों को दिखाया गया है जिसमें बिजली चमकते हुए दिखाई दे रही है। फिर दिस दिवाली लिखा हुआ आता है, उसके बाद यशराज फिल्म्स प्रेजेंट्स आता है, फिर सूर्य की किरणों की तरह एक झंडा दिखाई देता है जो लाल रंग का है, जो फहराता हुआ दिखाया गया है। फिर नाम आता है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का। इसके बैकग्राउंड में बहुत प्यारा म्यूजिक आता है जो कानों को कर्णप्रिय लगता है। उसके बाद किले की परछाई पर आमिर खान का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। कैटरीना कैफ के नाम के साथ हिंदुस्तान का मानचित्र दिखाई देता है जो अद्भुत लगता है। उसके बाद फातिमा शेख का नाम आता है, फिर आता है ढाल जो बहुत ही आकर्षक दिख रहा है। उसी ढाल पर एक रेंगती हुई तलवार आती है जो दूसरी तलवार से टकराती है, तो तलवार और ढाल से मिलकर इस फिल्म का लोगो बन गया जो कि देखने में बहुत बेहतरीन लग रहा है। फिल्म का लोगो देखकर लगता है कि ये देश की अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी। इस लोगो वाले फर्स्ट लुक वीडियो को यूट्यूब पर करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक देखा है। मीडिया खबरों की बात माने तो ये फिल्म 3,000 करोड़ तक का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर कर सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि इस फिल्म में बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार काम कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए क्या ये फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं।